हम आज देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था एंडोक्राइन सिस्टम पर, उसका एक एडिशन है कि वो था पूरा टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स और दूसरा उसमें हाइपोथैलेमस लिया था हमने, और आज हम लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे पहले उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। उसका जो डायमीटर है वो बहुत ही कम है, 1.3 सेंटीमीटर। तो वो जो है सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हम कर रहे हैं। अभी आगे देखते हैं कि उसका साइज क्या है, 1.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और शेप है उसका पी शेप। उसका शेप है पी शेप। अभी इसको हम देखेंगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कौन से जर्मिनल लेयर जो होते हैं तीन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उसमें से कौन से में से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो ये ओरिजिनेट हुआ है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये जो पिट्यूटरी टर्म था वो दिया था विजेलियस ने, वो टर्म जो दिया था पिट्यूटरी, दैट वॉज गिवन बाय विजेलियस। और दूसरा एक बात कि इसका लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर लोकेट हुआ है। ये है एक कैविटी के अंदर, और वो कैविटी कौन से बोन की है कैविटी, तो स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन के कैविटी, जिसको हम बोलते हैं लोकेटेड इन कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। क्या बोलते हैं उसको? सेला टर्सिका। तो ये हो गया उसका लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड का। अभी हम देखेंगे इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम बोलते हैं इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्री, हाइपोफाइसिस सेरिब्री। ये भी बहुत ही बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी कहा गया है। अभी जो लोकल नेम्स जो उसको दिए गए हैं, क्योंकि उसका जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इट इज एन मास्टर ग्लैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीईओ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम बोलते हैं सीईओ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये बहुत सारे उसके नाम है, हमको याद रखने हैं सिर्फ मेन दो, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस सेरिब्री। अभी अगर हमको उसमें से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसको समझना है, तो सबसे पहले हम समझेंगे उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मेनली पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करते हैं। ये है फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलॉन, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से एक स्टॉक लाइक एक्सटेंशन, जिसको बोलते हैं हम इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम जो है वो कनेक्ट होता है किस चीज से, तो ये कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो है एक पी शेप ग्लैंड, एंड इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू, जो हमने बोला एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अभी एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन से लोब्स आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तीन लोब्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। तो सबसे पहले एडिनो हाइपोफाइसिस में एक तो एंटीरियर लोब आता है, दूसरा आता है इंटरमीडिएट लोब। दिस टू कंबाइंडली आर सेड टू बी एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो लास्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं, वो आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो ये हो गए एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब, इसको हम एक साथ बोल सकते हैं
एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये जो है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हम देखेंगे कि ईच लोब सिक्रिट्स एंड अ टाइप ऑफ हार्मोन, हर कोई लोग एक एक हार्मोन, कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करता है, तो वो हम देखेंगे। और यहाँ पर जो है एंटीरियर लोब, उसमें से टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जो इंटरमीडिएट है उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है, जबकि पोस्टीरियर लोब है वो अंदर कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है। जो ये हार्मोन्स है वो आते हैं हाइपोथैलेमस में से, और यहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। तो ये 2 हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, और हम देखेंगे अभी एंटीरियर लोब में से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उसके फंक्शंस क्या है। तो एंटीरियर लोब में से 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसमें जो एंटीरियर लोब है उसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिनो हाइपोफाइसिस कौन सी जगह से ओरिजिनेट हुआ है। तो इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टोमेडियम ऑफ रैटकेस पाउच। अभी स्टोमेडियम क्या है? स्टोमेडियम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है हमारा, तब जो डिप्रेशन होता है ब्रेन और पेरिकार्डियम के बीच में, उसको बोलते हैं। तो स्टोमेडियम में से क्या ओरिजिनेट हुआ है? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो यहां पर हम लिख देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्टोमेडियम रैटकेस पाउच। और एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब में से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो लिख देते हैं हम। एंटीरियर लोब में से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। सभी हार्मोन्स जो है या तो एसिडोफिल्स उसको सिक्रीट करती है या फिर बेसोफिल्स उसको सिक्रीट करती है। और ये एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स कौन से सेल्स में से बनी है? तो वो है क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स में से ये सब बना है। तो सबसे पहला जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। फिर दूसरा जो है वो है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फिर तीसरा जो है वो है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फोर्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। फिर फिफ्थ नंबर का जो है वो है ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और जो छठा है वो है प्रोलैक्टिन। तो ये 6 हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर लोब में से सिक्रीट होते हैं। तो इसमें जो ग्रोथ हार्मोन है और प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है और प्रोलैक्टिन है, वो सिक्रीट हुए हैं एसिडोफिल्स में, बाकी सब सिक्रीट हुए हैं बेसोफिल्स से। तो ये हमको याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन एसिडोफिल्स में से रिलीज हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में से, और इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट इफेक्ट है। इसका जो इफेक्ट है, 2 प्रकार के हार्मोन रहते हैं, एक अपना इफेक्ट डायरेक्ट देता है और दूसरा जो है वो दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोमोन्स, ऑटोमोन्स। और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं कैलोन्स, CHALONES। तो हम जो ग्रोथ हार्मोन देखते हैं उसका इफेक्ट डायरेक्ट है, इंसुलिन है उसका इफेक्ट डायरेक्ट है, और एपिनेफ्रिन है उसका भी इफेक्ट डायरेक्ट है। फिर TSH हम देखेंगे अगर, तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्ट है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, उसका भी इफेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उसको हम बोलेंगे कैलोन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करता है? जब रिलीज होता है तो उससे सेल डिफरेंशिएशन होता है। और दूसरा कि इट एक्ट ऑन एपिफिजियल प्लेट ऑफ द बोन। जो बोन है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो हम
बोल सकते हैं कि उससे लेंथ भी बढ़ेगी। तीसरा है इट प्रमोट्स द और इट स्टिमुलेट्स द ग्लूकोनियोजिनेसिस, जिससे कि हमारा बॉडी में ग्लूकोज और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स है उसके अमाउंट इंक्रीज होगा। फिर इट ऑल्सो इंक्रीजेस और स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनेसिस, फिर फैट का ऑक्सीडेशन भी होता है इससे, और तीसरा कि प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। तो हम वन बाय वन उसको सबको एक बार लिख देते हैं कि इट स्टिमुलेट्स द सेल डिफरेंशिएशन, नए सेल बनाने में हेल्प करता है। फिर दूसरा जो है वो है एक्ट्स ऑन एपिफिजियल प्लेट ऑफ बोन, इससे क्या होगा कि उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन लेंथ, ओवरऑल इससे ग्रोथ होगा बॉडी का, सेल डिफरेंशिएशन और इससे बोन का डेवलपमेंट होगा। फिर आगे ये प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजिनेसिस, देन ग्लाइकोजिनेसिस, देन लिपोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं फैट ऑक्सीडेशन, फोर्थ वन है जो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इससे क्या होगा कि बॉडी का ग्रोथ होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कम होता है, इफ इट इज सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट बिलो 18 इयर्स, तो वो क्या रिजल्ट करता है, ड्वार्फिज्म, बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, पर उसका ब्रेन जो होता है वो डेवलप्ड रहता है, पूरी तरह से फिट रहता है। फिर ओवर सिक्रीशन अगर हो गया है बिलो 18 इयर्स, अगर 18 इयर्स के बिलो में ओवर सिक्रीशन अगर हो गया है तो वो क्या करेगा, वो करेगा जाइजेंटिज्म, बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एडल्ट में अगर ओवर सिक्रीशन हो गया है तो इट विल रिजेंबल इनटू एक्रोमेगाली, जिसको हम बोलते हैं गोरिला लाइक अपीयरेंस। तो ये तीन डिसऑर्डर्स हैं ये जो होते हैं डेफिशिएंसी और ओवर सिक्रीशन की वजह से, डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म हो जाएगा, फिर एडल्ट में अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो उससे एक्रोमेगाली हो जाएगी, और बिलो 18 ईयर से ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो उससे हो जाएगा जाइजेंटिज्म। तो यहाँ पर हो गया ग्रोथ हार्मोन का। दूसरा है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, अभी जो जैसे मैंने बताया कि इसका इफेक्ट जो है इनडायरेक्ट है, तो ये क्या करेगा, ये थायराइड फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट, थायराइड फॉलिकल्स टू रिलीज, क्या रिलीज, थायराइड हॉर्मोन्स, टू रिलीज थायराइड हॉर्मोन्स। दूसरा कि इससे भी एक और चीज होगी कि ये आयोडीन अपटेक भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो हमारे थायराइड हॉर्मोन्स है उसमें से T3 और T4 जो है उसमें आयोडीन का यूज होता है, तो ये आयोडीन अपटेक भी इंक्रीज करेगा। तीसरा जो है वो है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन जो है वो मेल और फीमेल दोनों में इफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है मेल और फीमेल में, मेल में वो क्या प्रमोट करेगा, स्पर्मेटोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ये प्रमोट करेगा इन मेल। तो मेल में ये स्पर्मेटोजिनेसिस, और जो फीमेल है उसमें सेम ओवा का भी एक प्रोसेस है जिसमें हमारे गैमेट्स बनते हैं, तो जो बोलते हैं ऊजिनेसिस, जिसमें ओवा बनता है उसका जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करेगा। ये अपना इफेक्ट जो है गोनाड्स पर दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स, जिसके जो अपनी एक्टिविटी गोनाड्स पर दिखाते हैं इसलिए उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। अभी ये जो LH है इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और ये जो LH है उसको हम बोलते हैं लूटिनाइजिंग हार्मोन। लूटिनाइजिंग हार्मोन इज ऑल्सो अफेक्टिंग मेल एंड फीमेल इक्वली, इसको
मेल और फीमेल इक्वली इफेक्ट करता है। मेल में लूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH बोला जाता है। ICSH में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर, तो मेल के अंदर ये जो हार्मोन है वो इफेक्ट करेगा हमारे लेडिक सेल्स पर, और लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये इट स्टिमुलेट टेस्टिस टू रिलीज एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन को रिलीज कराएगा, जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया मेल में। अभी फीमेल में क्या होता है कि जब भी ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होती है तो ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन कराने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसको फीमेल में रप्चर द ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल जो रहता है उसको रप्चर करके ओव्यूलेशन कराता है। तो यहां पर हम लिखेंगे रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉजिस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब होता है तो जो खाली भाग जो रह जाता है, जो जिसमें से ओवम निकल जाता है, तब जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। अभी ये जो कॉर्पस लूटियम है वो कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करता है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो जो कॉर्पस लूटियम है वो रिलीज करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये हो गया FSH और LH। इसका भी जो इफेक्ट है वो पूरा गोनाड्स पर रहता है, इसलिए उसको भी हम गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। बाद में आता है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन्स। तो ACTH जो है वो कहाँ पर एक्ट करता है, तो यहाँ पर ये ACTH है वो एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है, जो हम आगे भी देखेंगे कि इट स्टिमुलेट टू रिलीज कॉर्टिकॉइड्स। लास्ट जो हमारा सिक्स्थ हार्मोन है उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो एक्चुअली जो उसका फंक्शन रहता है टू फॉर द इजेक्शन ऑफ द सॉरी फॉर द सिंथेसिस और फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। क्या मिल्क का, इट एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स। कहाँ पर ये एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है, और मेमोरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, डिलीवरी के बाद ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वन। नरिशमेंट के लिए मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मिल्क। अभी ये प्रोलैक्टिन है वो बर्ड्स में भी दिखता है, और इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप मिल्क इन बर्ड्स। बर्ड्स में ये क्रॉप एंड क्रॉप मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। ये हो गए हमारे सिक्स हार्मोन्स। चलो अभी हम देखते हैं इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। इंटरमीडिएट लोब जो है वो एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इंटरमीडिएट लोब जो है वो एक ही हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर फंक्शनल रहता है, तो ये हार्मोन जो है वो फंक्शनल रहता है जो पोइकिलोथर्म्स है, रेप्टाइल्स
एम्फीबियंस उसमें ये फंक्शनल रहता है। मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स जो है वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो जो क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं हमारे बॉडी में जो पिगमेंट सेल्स रहते हैं उसमें से मेलेनिन सिक्रीट करता है, मेलेनिन ग्रेन्यूल्स का डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल ऑफ मेलेनिन ग्रेन्यूल्स। पर जो मैन है उसमें ये फंक्शनल नहीं है, तो ये जो फंक्शन जो रहता है वो होता है सिर्फ पोइकिलोथर्म्स में। अभी हम देखते हैं कि पोस्टीरियर लोब जो है वो कहां पर फंक्शनल है। पोस्टीरियर लोब जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो ये जो पोस्टीरियर लोब जो है इट इज एन एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ डायन्सी फेलॉन। जैसे हमने एडिनो हाइपोफाइसिस का जो ग्रोथ है हमने देखा था स्टोमेडियम, यहां पर जो पोस्टीरियर लोब है न्यूरो हाइपोफाइसिस इट इज एन एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ डायन्सी फेलॉन। तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ डायन्सी फेलॉन। भी चलिए हम देखते हैं कि ये जो हॉर्मोन्स है जो यहां से रिलीज होते हैं वो कहां पर सिंथेसाइज होते हैं। एक्चुअली ये जो सिंथेसाइज होते हैं वो होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो यहां पर हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा पोस्टीरियर लोब है और ये जो है हाइपोथैलेमस है। तो यहां से जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आते हैं न्यूरॉन से और वो स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो जो एक्सॉन होता है उसका जो टर्मिनल एंड रहता है वो स्वॉलन रहता है और जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं हेरिंग बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिंग्स बॉडीज। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस में न्यूरो हॉर्मोन्स जो सीक्रेट हुए हैं वो यहाँ से कहाँ पर आ जाते हैं, पोस्टीरियर लोब के अंदर। तो कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस में से रिलीज होते हैं, तो वो होते हैं दो न्यूरो हॉर्मोन्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH और वासोप्रेसिन, और जिसको ADH को बोलते हैं हम एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। तो ये दोनों जो है वो कौन से सेल में से हाइपोथैलेमस में सिक्रीट हुए, तो दोनों सिक्रीट हुए हैं हाइपोथैलेमस में। तो उसके जो सेल्स है वो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में से ये सिंथेसाइज हुआ है, और ये जो ADH जो है वो है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई उसमें से सिंथेसाइज हुआ है। तो इसके थोड़ा हमने ये समझ लिया है। अभी हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। ये जो पोस्टीरियर लोब है उसमें से पहला जो हॉर्मोन है, पोस्टीरियर लोब में से जो पहला हॉर्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, इसको हम बोलते हैं पिटोसिन। उसके दो और नाम है, इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन, दो नाम है उसके। क्यों मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन उसको बोला गया है, क्योंकि इट स्टिम्युलेट द इजेक्शन ऑफ द मिल्क आफ्टर द डिलीवरी। जब भी माँ अपने बच्चे को भी देखती है रोता हुआ तब भी ये हार्मोन सिक्रीट हो जाता है, ऐसा देखने को मिला है। तो इसके बर्थ हार्मोन भी उसका नाम है और दूसरा है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसको बर्थ हार्मोन क्यों बोला है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब बर्थ होता है तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो यूट्रस जो होता है उसमें जो अपर सेगमेंट के स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कराने में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और
ये जो अपर सेगमेंट के जो यूट्रस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी चाइल्ड बर्थ इजी हो जाएगा। तो यहां पर इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस फॉर इजी डिलीवरी ऑफ यंग वन। तो ये जो है ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन। दूसरा जो है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और उसको दूसरा भी एक नाम है वैसोप्रेसिन, तीसरा भी एक नाम है पिट्रेसिन। ये जो हार्मोन है वो कहाँ पर एक्ट करता है? तो जब भी बॉडी में वाटर की अमाउंट कम हो जाती है तब ये जाके रिलीज होता है और ये डायरेक्टली एक्ट करता है किडनी के नेफ्रॉन्स के ऊपर। और नेफ्रॉन में भी कौन से पार्ट्स पर? तो ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये दोनों पर एक्ट करता है और वहां पर क्या इफेक्ट आता है वो भी हमको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दो चीज का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट जब रीअब्सॉर्ब होने लगता है तब इट इनहिबिट्स द डायूरेसिस। और दूसरा एक चीज कि अगर ये कम से रिलीज होता है या फिर नहीं रिलीज होता है, अगर ADH नहीं रिलीज होता है तो उससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। ये इंसिपिडस वर्ड कहाँ से आया? तो उसका मीनिंग होता है टेस्टलेस, यानी कि हम ये सोचते हैं कि डायबिटीज होगा तो शुगर आएगी यूरिन के अंदर, पर ऐसा नहीं है। ये जो डायबिटीज है उसमें क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द यूरिन आउटपुट। क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो होता है वो होता नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा कि डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा और जिसको हम बोलते हैं पोली यूरिया इंक्रीज यूरिन आउटपुट। और एक चीज हो जाएगी कि पोली डिप्सिया, जिससे पानी भी हम ज्यादा पिएंगे। पोली यूरिया में तकरीबन 10 लीटर पर डे यूरिन आउटपुट हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट जो है वो है 1 to 5 liter per day, यानी कि 1 liter से 1.5 liter तक ही यूरिन आउटपुट रहता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो 10 लीटर हो जाता है। अभी देखते हैं पोली डिप्सिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वाटर अपटेक। तो पानी भी हम ज़्यादा पियेंगे तो ये जो सिम्टम्स रहता है वो होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम अभी आज अपना यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर कम्प्लीटली ओवर हो गया है।